ਜਾਨੋ ਜਰਾ ਪਹਿਚਾਨੋ ਮਹਿਬੂਬਾ ਹਰ ਦੀਵਾਨੋ ਮੁਝ ਪਹਿਚਾਨੋ ਜਰਾ ਪਹਿਚਾਨੋ ਮਹਿਬੂਬਾ 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 ਮੈਂ ਭੂਟਾਨ ਮੈਂ ਭੂਟਾਨ ਮੈਂ ਭੂਟਾਨ ਯਾਰੋ ਕਾ वो यार भू दुश्मन के कट्टे छुड़ा देंगे है भू वही दुश्मन का दुश्मन भू में दुश्मन के कट्टे छुड़ा देंगे है भू वही हमारा बादल भू सौदाई पागल हो दुनिया में समझा है कौन अरे दीवानो मुझे पहचानो जरा पहचानो मैं भूटा सर स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। 11 मुल्कों की पुलिस आपका इंतजार कर रही है, क्या महाराष्ट्र का नाम नहीं है उसमें? देवी और सज्जनों, फिर उम्मीदों की रात आई है, चांद तारों को साथ में लाई है, आप सबकी चाहत का नजारा देखिए हमें इस महफिल में खींच के लाई है। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि डॉन अभी डिफेंस में है, किसी के मजाल नहीं कि हमें यहां से लेके जा सके। बाघ को जन्म देने वाला बागबान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने अपने पौधों को सींचते हैं, ना सिर्फ अपने पेड़ से उसके साए से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है कि एक दिन जब वो जिंदगी से थक जाएगा तब यही डिफेंस का परिवार उसके काम आएगा, यही डिफेंस का परिवार उसको काम आएगा। जी जी, मैं चाहूंगा कि सबसे पहले यहां के हमारे सर जी को नमस्कार करता हूं, सामने बैठे सभी ऑफिसर्स, उन सबको जो हमारे देश के लिए काम करते हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं, जितने भी देवी और सज्जन हैं, मैं सबके सामने नतमस्तकों को प्रणाम करता हूं, और ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं इस मंच के ऊपर हूं। मुझे बताया गया था कि जब यहां पे आएंगे तो कुछ डायलॉग होने चाहिए, मैं कोशिश करूंगा कि जो कुछ अच्छी अच्छी फिल्में हैं मेरी वो सब डायलॉग आपके सामने प्रस्तुत करूँ। मुंशी जी, आप ही कहा करते थे कि जब तक औरत मर्द की जिंदगी में नहीं आती है बात में वजन पैदा नहीं होता, बात में वजन पैदा करते करते हमारा वजन कम हो गया, ये मोमबत्ती बुझने से पहले अगर वो नहीं आई तो हमें इस मोमबत्ती से हमेशा की नफरत हो जाएगी, हमेशा की नफरत हो जाएगी। हाँ देवी जी, देवी जी प्लीज यहाँ पे आइए। मैं चाहता हूं कि मैं आपको देख के कुछ डायलॉग बोल सकता हूँ, कुछ डायलॉग होने चाहिए इनके सामने, डायलॉग होने चाहिए नहीं होने चाहिए? जी मैडम प्लीज आप आगे आइए प्लीज। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नरम छाव में गुजरने पाती तो शायद आप खो भी सकती थी, ये रंज गम की स्याही जो दिल पे छाई है तेरी नजर की शुआ में खो भी सकती थी, मगर ये हो न सका, मगर ये हो न सका, और अभी आलम है कि तू नहीं तेरा गम तेरी जिस्तजू भी नहीं, गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे
इसे किसी के सहारे की आरजू भी नहीं। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। और भी कुछ डायलॉग आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। आप बताइएगा कि कौन सी फिल्म का डायलॉग आप सुनना चाहते हैं। जी जी अमर अकबर एंथोनी। जी जी कुछ आवाज मेरे कानों तक पहुंच रही, मैं कोशिश करता हूं। जी 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 हाँ अभी आ गई आवाज। ए विजय दीनानाथ चौहान, गांव मांडवा, उम्र 36 साल 11 महीने और 16 घंटा चल रहा है। ए आज शाम को मौत के साथ अपना अपॉइंटमेंट है। देख इंग्लिश बोलता है, इंग्लिश बोलता है। एक काफी मशहूर फिल्म थी मेरी, उसका एक डायलॉग आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। नाम है सूर्यवंशम, काफी लोगों ने देखी है। उसके अंदर मेरे दो रोल थे, एक सीनियर था और एक जूनियर का रोल था। जो बुढ़ापे का रोल है बहुत ही मशहूर हुआ था, काफी लोगों ने उसे पसंद किया था। वही डायलॉग आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। ये रही तुम्हारे से कई जमीन और जायदाद, उठाओ से निकल जाओ यहां से। तुम हमारा अवेली का सबसे बदनाम कतराओ, उससे भी बेकार लड़की जिसने आज तुम्हारा हाथ थामा है। अगर तुम दोनों के किसी ने शक्ल भी देख ली तो ये भानु प्रताप उसकी सूरत नहीं देखेगा। निकल जाओ यहां से।